हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक एंड बैक विथ अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माय मोटो व्लॉगिंग सेटअप, जो है कि ये हेलमेट के साथ मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैं क्या यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इसके अलावा एक और मेरे पास हेलमेट है जो है कि स्टील बर्ड का, उससे भी मैं काफ़ी सारे मोटो व्लॉग किया हूँ। ऑलमोस्ट उस हेलमेट के साथ करीब करीब 8000 किलोमीटर्स का राइड हो चुका है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ गुड हेलमेट, बट ये एक प्रीमियम एंड ऑफ रोड एंड ADV हेलमेट है। तो इसके साथ मैं अलग से जो भी मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज़ करता हूँ वो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा कैमरा। सो ये है ओस्मो एक्शन। मैं ओस्मो एक्शन यूज़ करता हूँ, GoPro यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये क्लीन एंड क्रिस्प ज़्यादा लगता है, दैट इज़ वाई। एंड ये है कैमरा। सेकेंड इज़ इसको अटैच करने के लिए एक जे हुक, सो डायरेक्ट इसके साथ हेलमेट के साथ अटैच हो जाता है एक और अटैचमेंट के साथ। अभी दिखाता हूँ मैं, जे हुक चाहिए आपको एक, और एक चाहिए माइक अडाप्टर। तो बेसिकली आपके पास अगर GoPro है या फिर आपके पास ओस्मो एक्शन है, तो हर एक चीज़ के लिए आपको एक माइक अडाप्टर चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर एक USB टाइप सी पोर्ट है और एक 3.5mm जैक है। तो USB टाइप सी पोर्ट से आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो एंड 3.5mm जैक से आप डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो दैट गोज द ऑडियो पार्ट। दिस इज़ वन ऑफ दी अडाप्टर, ये एक थम्ब स्क्रू है, ये भी चाहिए आपको अटैच करने के लिए डायरेक्टली आप लगाओगे जब। नाउ कम्स द पार्ट ऑडियो। ऑडियो के लिए मैं यूज़ करता हूँ एक लैव माइक। तो ये एक बहुत ही चीप सा लैव माइक है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। दिस इज़ समथिंग अराउंड 350 के आसपास आता है, बहुत ही सस्ता है। दिस इज़ दी माउनो। एंड इसको अटैच करने के लिए एक छोटा सा अडाप्टर और चाहिए, दैट इज़ दी कन्वर्टर, एक्चुअली TRSS to TRS कन्वर्टर। सो बेसिकली ये क्या ट्रांसफ़र करता है कि आपका जो भी अडाप्टर है उसको डायरेक्टली आपके कैमरे के अडाप्टर के साथ अटैच करने के लिए ये एक अडाप्टर चाहिए अलग से, जो कि माइक्रोफोन के साथ ऑलरेडी आता है। हेलमेट के साथ मैंने ऑलरेडी एक माउंट अटैच करके रखा है, दैट इज़ बिकॉज कि मुझे वो अलग से एक इतना बड़ा सा जो आता है वो अटैच नहीं करना था। दैट डजेंट लुक्स वेरी गुड। एंड वो अलग से ऐसे मैं अगर इसको बंद करता हूँ ग्लास, तो यहाँ पे खाली जगह रह जाता है, उससे विंड एंड डस्ट आता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द क्लीन लुक। हाँ, डेफिनेटली ये अटैच हो जाता है एंड इसके साथ आप इसको निकाल नहीं सकते, दिस इज़ गुड बिकॉज मुझे बार बार निकालना नहीं है, दैट इज़ फाइन। सो दिस इज़ इट। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैं कैसे अटैच करता हूँ। सो सबसे पहले कैमरा, कैमरे के साथ, कैमरे को मैं बेसिकली ऐसे उल्टा लगाता हूँ, उसके साथ चला जाता है ये। सो दिस समवॉट लुक्स लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड कैमरा जो है वो यहाँ पे रहता है। एंड मेरा जो माइक है, माइक मैं समथिंग यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लगा के रखता हूँ, बिकॉज कि साउंड जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा मैं फर लगा के रखा हूँ ताकि विंड नॉइज़ रिडक्शन हो। सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, दिस इज़ माई मोटो व्लॉगिंग सेटअप। एंड इसका एक छोटा सा मैं क्लिप दे देता हूँ अभी, जो कि आप अभी देख पाओगे एंड ऑडियो सुन पाओगे। सो ये नाइट का ही एक छोटा सा राइड है, सो मैं बहुत ही छोटा सा एक दे देता हूँ। सो प्लीज़ वॉच इट। एंड जो भी अलग से आपको बताना हो कमेंट्स में, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो इफ देर इज़ समथिंग यू वॉन्ट टू नो मोर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।
हेलो 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 सो बेसिकली दिस इज़ माइक टेस्ट, तो सब सेट हो गया है, अभी जस्ट माइक चेक कर रहे हैं एंड यहाँ से सीधा हम ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे ट्रक्स है, तो दैट इज़ गुड फॉर अस, साउंड चेक बहुत अच्छे से हो जाएगा और ब्रिज के ऊपर होपफुली थोड़ा भगा भी पाएंगे। आज बाइक है नहीं तो हम जा रहे हैं स्कूटी से, एंड ये अपने घर के पास ही है, घर से अराउंड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली इस ब्रिज से हम जाते आते नहीं है क्योंकि घर हमारा बीच में पड़ता है। सो माइक टेस्टिंग 1 2 3, कैसा है? मुझे तो सही लग रहा है,